ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो जिस तरह कि आप लोग बता कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के अबाउट होगा इंशाल्लाह। फेसबुक पे पोस्टिंग करना नहीं बताऊंगा आप लोगों को, वो तो होता ही रहता है सेशन, ठीक है। वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं फेसबुक के हवाले से, वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आप लोग बताऊँगा कुछ फेसबुक के अबाउट, ठीक है, इसके कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, कि हमारी आईडी जो है वो बैन क्यों होती है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह क्यों लगती है, 3 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए, 3 महीने के लिए और 90 दिन के लिए भी लगती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं फेसबुक को लेके, तो काफ़ी सारे मेंबर्स न्यू भी आते हैं, उनको इस चीज़ का नहीं इलम होता कि हमने देखो ना, ज़ाहरी बात है कोई भी चीज़ है उसको चलाने का तरीका है, बाइक को चलाने का अपना तरीका है, साइकिल चलानी है अपना तरीका है, गाड़ी चलानी है, ट्रक चलाना है, जहाज़ चलाना है, ट्रेन चलानी है, हर चीज़ को अपने अपना तरीका है। अगर आप लोग उस तरीके को सिखाए बगैर आप लोग उस पर चलाओगे उसको या उसको काम करोगे, फिर आपको पता ही कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो इस चीज़ का ये कि आप लोग पहले ड्राइवर मुकम्मल बन जाओ, लाइसेंस आपको मिल जाए, ठीक है, आप फुल ट्रेन हो जाओ, फिर आप उसको हाईवे के ऊपर निकालो, फिर आप उसको रोड के ऊपर निकालो, फिर आप लोग उसको चलाओ, फिर जिस तरह मर्ज़ी आप लोग लगे, तो क्योंकि आपको उस चीज़ का पता होता है, ठीक है। और जब हमें पता नहीं होता, तो जिस तरह कि आपको पता है, एक बंदा है, दो तरह के बंदे हैं, एक बंदे ने स्विमिंग सीखी हुई है, तैरना सीखा हुआ है, और एक बंदे ने नहीं सीखा हुआ। एक बंदा अब छलांग लगाता है, मिसाल तो नदी में, दरिया में, नदी में छलांग लगाता है तो वो डूब जाता है, ठीक है, या डूबने लगता है, जो भी सीन है। वो क्यों डूब रहा है? क्योंकि उसने स्विमिंग करना सीखा नहीं है, उसको चाहिए था कि वो तैरना सीखे, उसके बाद कहीं कूदे, ठीक है, गहराई वाले में या कहीं भी वो कूदें, ताकि वो वहाँ पर उसको सर्वाइव कर सके, वहाँ पर जो है ना वो उसकी स्विमिंग कर सके, वहाँ पर वो अपने आप को बचा सके। और एक बंदा है जिसने स्विमिंग सीखी हुई है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो चाहे नदी नाले की जितनी मर्ज़ी गहराई हो, वो उसमें चला भी जाएगा, बाहर भी निकल आएगा, अपना सांस भी बंद कर लेगा और डूबेगा भी नहीं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक बंदा प्रोफेशनल है और एक बंदा अनप्रोफेशनल है। सेम इसी तरह हर फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो काम को सीख के समझ के, ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जी बस आग लगी, आज ही हमने सारा कुछ कर देना है, आज ही हमने ज्वाइनिंग करवा देनी है, आज ही हम सारा कुछ करके रख देंगे, आज ही 100 बंदे हम व्हाट्सएप पे लेकर आएंगे, सब पॉसिबल नहीं है। सो इस चीज़ के लिए पहले आपको हर चीज़ का सीखना होगा कि आप लोग अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। सो कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ सेशन में, ज़रा जल्दी से अपना हैंडल्स करें, ताकि मैं सेशन को फिर कंटिन्यू करूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से सबके हैंडल्स होने चाहिए, जल्दी से, बहुत कम मेंबर जिनके हैंडल्स नहीं, अभी 8 लोग हुए हैं, आधे लोगों के हैंडल्स हैं, बाकी अब्दुल्ला, अलमस, अमीर, महरूश, माजिद, राना, आप लोग किधर हो, जल्दी से आप लोग अपने हैंडल्स करो, जल्दी से चलें। स्क्रीन मेरी शेयर है, आई थिंक जी सर, आते बताइए मेरी स्क्रीन प्रॉपर है, वॉइस ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग अपना पेन ऑन कर लेता हूँ और फिर आप लोग बताता हूँ कि आप लोग कौन सी गलतियाँ करते हो, ठीक है। सबसे पहले कि जब आप लोग फेसबुक पे आते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि फेसबुक के अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, आज के इस वीडियो में मैं आपको, ठीक है, तो आपके पास तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के अकाउंट्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ज़्यादा मिनिमम 4-5 तो होने चाहिए, ठीक है। अब मेरे आप लोग अकाउंट चेक कर सकते हो कितने ज़्यादा हैं, तकरीबन 3-3-6 यानी कि 7 अकाउंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मेरा अकाउंट बैन हो जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाती है 6 माह के लिए, सॉरी 6 दिन के लिए या 6 घंटे के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो मेरे पीछे बैकअप के लिए कोई अकाउंट मेरे पास आईडी होनी चाहिए, ताकि मेरी वर्किंग रुके ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास आगे एक अकाउंट होता है, जब वो बैन हो जाता है तो हम हाथ के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के या हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं, सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा अकाउंट बैन हो गया, चले मैं अभी अकाउंट आईडी ठीक होने का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगा। तब तक आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ज़्यादा सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि जब आप लोग ज्वाइन होते हैं, खास करके जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए सेशन बड़ा परफेक्ट है,
क्योंकि वो नए यूज़र होते हैं, उनको इस चीज़ का इलम नहीं होता, तो वो धड़ाधड़ काम करना शुरू कर देते हैं चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है कि जब फेसबुक आप लोग चलाते हो, आप लोग बनाते हो, तो सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल यानी किस तरीके से होनी चाहिए, आपका बैक कवर अच्छा होना चाहिए, आप लोग की आईडी इसी, अभी मैं कुछ इश्यूज बताऊंगा आईडी बैन होने की। ठीक है, तो हो सके तो इसको वीडियो बाद में देख लीजिएगा, ये बहुत काम आपके आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका प्रोफाइल जो होती है वो प्रोफेशनल नहीं होती, उसके बाद आपका ये जो प्रोफेशनल मूड है ये नहीं ऑन होता, यानी कि ये जो आपके फॉलोअर यानी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ लोग के फ्रेंड्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे, तो उसको फॉलोअर में तब्दील नहीं करते, उसका प्रोफेशनल मूड ऑन नहीं करते। अब ये प्रोफेशनल मूड ऑन कैसे करते हैं, ये मैंने अपने फेसबुक वाली मार्केटिंग के अंदर यह लिखा हुआ है अनलिमिटेड लीड्स, उसके अंदर जाके देखिए आपको पता लगेगा, इस तरह सेशन जो है ना वो लंबा हो जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है, जो टॉपिक है, उसी के ऊपर हम रहेंगे बस। सही है, तो ये चीज़ होती है कि आपकी आईडी जो है वो प्रोफेशनल नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी आती है प्रोफाइल, आपका जो है ना वो जो प्रोफाइल की पिक्चर होती है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो नेम होता है वो, कुछ लोग लिख लेते हैं शानी ब्रो, कुछ लोग लिख लेते हैं स्टार, कुछ लोग लिखते हैं किंग, कुछ लोग क्वीन लिख लेते हैं, इस तरह के जो नाम होते हैं ना, यानी कि निक नेम जिसको कहते हैं, अगर आप लोग इस तरह के नेम लिखते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपकी आईडी बैन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। ठीक है, तो उसको लगता है ये बंदा काम करने के लिए नहीं आया, ये बंदा कोई स्कैमिंग करने के लिए आया है या कोई भी चीज़ है। अब देखिए मैंने फ्रीलांसिंग लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसको बंदे को लग रहा है कि हाँ यार ये कोई बंदा कारोबारी है या बंदा कोई काम करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो बायो है ना वो लिखी होनी चाहिए। आप लोग जब बायो नहीं लिखते हो या बायो के अंदर कोई आप लोग कोई लिंक अटैच कर देते हो किसी किस्म का या कुछ और लिख देते हो, तो फिर आपके लिए जो है ना ये भी प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी बनती है। उसके बाद आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग रॉन्ग बताते हो। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि देखिए ना, अब हर बंदा, देखिए हम तो नहीं लेकिन हमारे सिम के थ्रू, हमारे नंबर के थ्रू हमें पता लग सकता है कि हम लोकेशन पे कहाँ बैठे हैं। अब अगर हम किसी के पास मेरा नंबर है ना, तो मुझे पता था कैसे वो मेरा पता कर सकता है, मुझे ट्रैकिंग कर सकता है, मुझे ट्रैक कर सकता है कि मैं आखिरकार किस जगह पे रह रहा हूँ। अब यार ये ज़ाहिर बात है कि फेसबुक इतना खोखला तो नहीं है, जब वो पूछता है कि आपने नंबर ऐड करना है या ईमेल, तो ज़ाहिर बात है वो पता तो लग रहा होता है कि वो कहाँ पर किस जगह पर ये एक्टिवेट है, किस जगह पर ये नंबर चल रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में रहता हूँ और मैंने लिखा हो फैसलाबाद, उसको तो शक पड़ जाएगा ना कि ये बंदा कोई दो नंबर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, हम जिसका जिसको इतना मतलब कि फेसबुक को इतना हल्का लेते हैं, इतना हल्का नहीं है। ठीक है, ये कोई बच्चों वाला उसने थोड़ा खिलौना बनाया हुआ है, उनको भी पता है फेसबुक की जो टीम है या फेसबुक को जो बनाने वाला है उसकी जो पॉलिसीज आती हैं, उन सब बंदों को पता है कि यार ये गेम डाल सकती हैं। ठीक है, सो इस तरह के वो नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा काम जो है ना वो इस फेसबुक के ऊपर करो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो करो। सो आप लोगों ने जो भी अबाउट में कुछ भी चीज़ मेंशन करनी है वो आपकी जो है ना वो रियल होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद कि आप लोग न्यू आईडी जब बनाते हो तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, अभी मेरा ये फ्रेंड्स का ऑप्शन यहाँ पर आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर देखता हूँ। हाँ ये देखो, ये फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों के पास इस तरह की मतलब कि फ्रेंड्स के ऑप्शन में आते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आपके पास आया कन्फर्म इस तरह की काफ़ी, अभी मेरे पास तो ये रिक्वेस्टें होती हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब अगर आपके पास ये रिक्वेस्टें आ रही हैं तो आप लोग इसको क्या करोगे, कन्फर्म। ठीक है, अगर आप लोग के पास नहीं आ रही तो आप लोग सबसे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सुन लें, फेसबुक पर जो लोग न्यू आते हैं उनका काम करने का तरीका, फेसबुक की जो पुल्स मतलब वर्किंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आप लोग सुन लें। सबसे पहले अगर आप लोग न्यू हैं ना, तो आप लोगों के पास ये है कि आप लोग क्या करो कि एक दिन में सिर्फ 10 से 12 लोगों की ही आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करो। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, ज़ाहरी बात अगर देखें ना, मिसाल तौर पर आप नई दुकान बना ले हो या आपने यूट्यूब चैनल बनाया, एक बंदे के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उसकी वीडियो के ऊपर, वो चाहे वो कोई भी बेकार किस्म की वीडियो अपलोड कर रहा है उसके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाई है, एडिट किया है, उसको बनाया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन आपके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, वो इस रीज़न से कि उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उसके जो ताल्लुकात है, उसका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कि जब आप लोग नई फेसबुक बनाते हो तो आपका जो नेटवर्क है ना, ये जो आपके फ्रेंड्स होते हैं यही आपका नेटवर्क होता है, और जब आपके फ्रेंड्स कम होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि फिर आपके चांसेस नहीं होते, आपकी पोस्ट भी वायरल नहीं होती। ठीक है, आपके ग्रुप्स भी वायरल नहीं होते, आपकी आईडी भी जो है ना
आपकी जो फ्रेंड मतलब ये आप जी आईडी होती है सजेस्ट में नहीं आती, लोग क्या होते हैं कि फेसबुक सजेस्ट करता है कि आप इस बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, इसको फ्रेंड बनाओ, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बड़ा कंसिस्टेंसी से डेली बेस पर काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रहते हुए फेसबुक की मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता है कि जब कोई बंदा मार्केट में नई दुकान बनाता है, ठीक है, जब मार्केट में नई दुकान बनाता है तो होता क्या है कि उसके पास कस्टमर क्लाइंट ज़्यादा नहीं आते, क्यों, क्योंकि वह नया होता है, लोग समझते हैं कि यार पता नहीं किस तरह की, मिसाल तौर पर चाय वाला है, वो कहेगा यार पता नहीं इस चाय किस तरह की बनाते हैं, चलो मैं जिससे ले रहा हूँ मैं उसी से लूँगा, चलो इस एक दिन क्या होता है कि वो दूसरी दुकान वाला बंद होता है, वो जाता है नए वाले के पास, यार कहता है चलो यार आज मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है लेकिन पीनी तो है, चलो यार इसकी चाय चेक कर दूँ। अब वो बंदा क्या करता है कि पहले दिन ये नहीं मिलावट वगैरह नहीं करता, वो कोशिश करता है कि अच्छी चाय बनाए ताकि वो उसका पक्का गाहक बन सके। तो वो जब चाय पीता कहता है यार कमाल है यार अहमद भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है, यार आपकी जो चाय है वो बहुत मतलब गाढ़ी है और बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा दूध डाला है, सारी शुगर वगैरह बहुत परफेक्ट किस्म की है, बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है, इलायची वगैरह आपने हर चीज़ डाली है। तो होता क्या है कि वो अपने उसके कस्टमर बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहता है कि यार उसको छोड़ो मैं अब तुम्हारे पास ही चाय लेने के लिए ना लड़का भेजा करूँगा, तो वो डेली उससे चाय पीता, उसका क्या होता है क्या उसकी मार्केटिंग बनना शुरू हो जाती है, उसका नेटवर्क, उसका जो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके ताल्लुकात बढ़ते हैं। जब देखे ना कारोबार ताल्लुकात के सर के ऊपर ही चलता है, ठीक है, जब ताल्लुकात नहीं होते तो भाई आपके पास कस्टमर भी नहीं आते। सेम यहाँ पर आप लोगों ने ताल्लुकात बनाने हैं, और ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, आप लोगों ने क्या कहना है कि आपके पास दो ऑप्शन है फ्रेंड बनाने के, दो ऑप्शन है ऊपर आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको ये सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, वैसे तो मैं ये बताता रहता हूँ लेकिन सिर्फ आप लोगों को ऐसा समझाने के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप लोग लिखो लिखो कोई बंदा ऐसा स्किल लिखो, कोई ऐसा नाम लिखो जिसके थ्रू आपको लगे कि यार ये बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर फ्री लांसर, ठीक है, फ्री लांसर मैंने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये पीपल का ऑप्शन आ रहा है, इस पीपल के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्या, ये देखिए कितने प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, आपको देखने में भी लग जाएगा कि हाँ यार ये बंदे मतलब प्रोफेशनल लग रहे हैं, लैपटॉप्स पकड़े हुए हैं, LED के ऊपर बैठे हुए हैं या जो भी मामलात हैं, और शक्ल से भी थोड़े प्रोफेशनल लग रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करा, इनको रिक्वेस्टें भेज सकते हो, किसी और बंदे को भेज सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या कि आप लोगों ने रिक्वेस्टें कितनी भेजनी है, अगर आप लोग न्यू हो ना, यू न्यू यूज़र हो, तो कम से कम कोशिश करोगे एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर आप लोग 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो। पहले दिन के अंदर नई आईडी आप लोगों ने बना लिया ना, नई आईडी को आप लोग 3-4 घंटे के लिए ना छोड़ दो, ठीक है। पहले मैं क्या कहता था कि 24 घंटे के लिए, अब आप लोग क्या करो कि 4 से 5 घंटे के लिए आप लोग ना, मिसाल तौर पर मैंने नई आईडी बनाई है फेसबुक की, अब उसको 4-5 घंटे के लिए रिलैक्स करो, कोई पिक्चर ना लगाओ, कोई ग्रुप ना ज्वाइन करो, कोई रिक्वेस्ट ना भेजो, कुछ नहीं करना, ठीक है, उसको उसके हालात पे छोड़ दो। 3 से 4 घंटे के बाद आओ और इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दो, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर सर्च करके भी किसी किस्म का भी, मिसाल तौर पर फ्रीलांसर, ठीक है, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ और लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख लो, ठीक है। इस तरह भी आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या इस तरह यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से जो बंदा आपको प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है उसको आप लोग जो है ना, वो मिसाल तौर पर ये, उसके बाद ये कर लूँ, इस तरह आपने ना तकरीबन 10 से 15 रिक्वेस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने इस तरह सेंड कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो सबसे पहले जब आप लोगों ने न्यू आईडी बनानी है, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में। देखो दो चीज़ें आपकी आईडी को मजबूत करती हैं, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और दूसरा आपके जो ग्रुप्स हैं वो, और तीसरा आपकी जो एक्टिविटी है जो उसके ऊपर आप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से आप लोग काम करो, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग इसमें एक दिन भी काम करना छोड़ देते हो तो जो लेवल आपको पहले रिजल्ट मिल रहा होता है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, जो आपके वर्किंग की जो प्रोग्रेस होती है, जो रेश होती है, वो डाउन हो जाती है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि डेली बेस पर काम करो। अब यहाँ पर पता लग गया ना कि अगर आप लोग न्यू हो तो आप 4 से 5 आईडीज बनाओ, दूसरा आप लोग 24 घंटे के अंदर 10 से 15 रिक्वेस्ट सेंड करो, लेकिन इसके अंदर भी डिस्टेंस होना चाहिए, 4-5 अभी, 4-5 दोपहर को, 4-5 शाम को सोते वक्त, इस तरह 15 आईडीज आप लोगों ने, सॉरी 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, और उन लोगों को भेजनी है जो थोड़े से शक्ल से प्रोफेशनल लग रहे हो, काम करने वाले लग रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने जो है ना वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब ग्रुप्स ज्वाइन कितने करने हैं ये भी आप लोग सुन लें। आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर सेम ऐसी है कि 12 से 15 ग्रुप आप लोगों ने डेली बेस पर ज्वाइन करने हैं, ठीक है, 15 से 12 ग्रुप। अभी ये भी समझ आ गया। अब आप लोग एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब आप लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो आज आप लोगों ने मिसाल तौर पर आज का फेसबुक का पहला दिन है,
आज आपने भेज दी 10 से 15 दिन, आज से 10 से 15 रिक्वेस्ट है, कल आपने क्या करना है इसको इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ कैसे करना है कि जहाँ पर आज 15 कर रहे हो, कल आप उस पर 20 करो, नेक्स्ट दिन उससे 25 करो, फिर 30 करो, फिर 33 करो, 35 करो, 40 करो, मतलब कि डेली बेस पर अपने आप को इंक्रीज़ करते जाओ। लेकिन बस एक लिमिट रखना, अगर आपके ऊपर कोई मतलब इस तरह का वो कहते हैं कोई बैन आ गया, इस तरह का कोई फट्टा आ गया या कुछ भी ऐसा सीन आ गया, वो कह रहा है कि आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट बंद कर दें, आप लिमिट से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो काइंडली उसको लगता है ये स्कैमिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं कि आप पहले दिन आए तो 200 लोगों 300 लोगों 400 लोगों रिक्वेस्ट धरातल भेजना शुरू कर दो, तो इस तरह वो लगेगा कि स्कैम कर रहे हैं। उसकी जो फेसबुक वाले हैं वो स्कैन कर लेते हैं, आपके फौरी तौर पे आपकी आईडी को बैन कर देती है, ठीक है। सो आप लोगों ने डेली बेस पर अपनी आईडीज़ को, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को इंक्रीज़ करते रहना है। अब ग्रुप का बता रहा था कि 12 से 15 ग्रुप ज्वाइन करने 24 घंटे, इसके अंदर भी आप लोग डिस्टेंस रख लो कि 1-2-3 घंटे के बाद 3-4-5 कर लो, 5 कर लो, फिर 2-3 घंटे के 5 कर लो, इस तरह। मैं आप लोग ये पता लग गया, अभी मैं ग्रुप ज्वाइन करने का भी तरीका बताता हूं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लें, फेसबुक पे काम करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है ना वो भी सुन लें, काफ़ी सारे मेंबर को नहीं पता होता। एक सुबह फजर के टाइम आप लोग सबसे पहले क्या करो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि जब आप लोग नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के करोगे तो इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी हो जाती है और आपके काम में बरकत भी होती है और आपको बड़ा जल्दी रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, ठीक है। तो सुबह फजर टाइम करो, उसके बाद जो 11 होते हैं ना, 11 ये दिन के 11 से 12 बजे तक इसके दरमियान आप लोग वर्किंग करो, उसके बाद शाम को 4 से 5 जो बजे होते हैं ना असर से बाद, असर के बाद काम करो, उसके बाद शाम को सोते वक्त, पता लग गया होगा, फजर 11 से 12, शाम को असर के बाद और शाम को सोते वक्त, ठीक है। तो ये 4-5 टाइमिंग है, ये बेस्ट है, इस पर आप लोग काम करो, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, कुछ लोग ग्रुप ज्वाइन करने में भी गलती कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने जो है ना वो गलती नहीं करनी, ग्रुप ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर मिसाल तौर पर लिख लेता हूँ मैं, शॉपिंग लिख लेता हूँ, ठीक है, मिसाल तौर पर मैंने शॉपिंग लिख लिया। अब यहाँ पर मैं ग्रुप्स के पोर्शन में आता हूँ, ये देखो ग्रुप्स का पोर्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये नहीं करना कि ये पकड़ा ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, कुछ लोग न्यू मेंबर आते हैं वो इस तरह लगे रहते हैं, ठीक है, बस ज्वाइन ज्वाइन करते रहते हैं, इस तरह आप लोगों ने नहीं करनी। और ये भी आपकी गलती कि आपकी आईडी जो बैन होती है वो रीज़न है कि आप लोग धड़ाधर जिस तरह रिक्वेस्ट भेजते हो इस तरह आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन करते हो, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग इस ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक करो, क्योंकि ग्रुप को देख के ज्वाइन करना आप लोगों ने। अब देखने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या चीज़ आपका, आपने ये देखना है कि क्या ये ग्रुप पब्लिक है कि नहीं है, जिस तरह के मैंने ये टिक किया है इसका लिखा हुआ है ना पब्लिक ग्रुप, अभी तो पब्लिक दिख गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है उसमें ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, यानी कि 32K लिखा हुआ है ना, ये K का मतलब होता है 1000, यानी कि इसमें 32,000 मेंबर बैठे हुए हैं। तो इसको हम ना ज़रा और डीपली चेक कर लेते हैं, इसके नाम के ऊपर दोबारा क्लिक करो। अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, अब आपने क्या करना है कि राइट समथिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ग्रुप के अंदर जब भी ग्रुप ज्वाइन करनी है, दो चीज़ों आप लोगों ने दो बाहर बताई है ना मैंने, पब्लिक और ज़्यादा कम्युनिटी होनी चाहिए, ज़्यादा जो है ना वो मतलब उसके अंदर रश होना चाहिए, ज़्यादा नेटवर्क होना चाहिए, ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको ग्रुप ओपन करने के ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, तो ये बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं कि वो इस तरह के भी अच्छे ग्रुप नहीं होते, उसमें भी पोस्ट करते हैं तो वो अप्रूव चली जाती है, ठीक है। तो आपको मैं जो है ना एक पोस्ट कॉपी करके जो है ना जस्ट हमने दिखाता हूँ यहाँ से, एक मिनट, अब साथ तो मेरे पास ये एक पोस्ट है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर फेसबुक पे आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ना पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो ये नीचे आपके पास काफ़ी बैकग्राउंड है, आप लोग लगाना चाहो तो, ये तो बच्चे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने ऊपर ना पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आपके सामने ये आ रहा ऑप्शन तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन ना करो, अगर आप लोग इसमें पोस्ट करते हो और ओके करके ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ये पोस्ट आपकी जो है ना अप्रूव नहीं हुई है, यानी कि ये एडमिन के ऊपर चली गई है, एडमिन के अप्रूव में चली गई है। अब एडमिन चाहे तो इसको 1 घंटे बाद अप्रूव कर दे, चाहे तो 1 दिन बाद, हो सकता है कि महीना ना करे, हो सके सालों साल पड़ी रहे, वो अप्रूव नहीं करेगा। सो इस तरह का ग्रुप आप लोगों ने हरगिज़ भी ज्वाइन नहीं करना, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग इस तरह के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो
जिसकी वजह से आपकी आईडी बैन हो जाती है। उसके बाद इसको चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, राइट समथिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद पोस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखते कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा, अब ये भी आ रहा है, अब इसको रुको भी नहीं। अब यही चीज़ तो आपको देखने में टाइम लगना है, ठीक है, इसी चीज़ को आप लोगों ने देखना है, इसी चीज़ में टाइम लगना है, नहीं तो फेसबुक। और दूसरी चीज़ आ गई ये वाली, अगर किसी ग्रुप के ऊपर ये वाली ऑप्शन आ जाए इस ग्रुप को, तो आप लोगों ने देखना नहीं, फौरी तौर पे आप लोग इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये ग्रुप एडमिन अप्रूव में है। अगर आप लोग इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करते हो तो होता क्या है कि जो इसका एडमिन होता है ना, जब आप लोग इसमें धक्के से पोस्ट करते हो तो जो इसका एडमिन होता है ना फेसबुक वाला ग्रुप वाला, वो क्या करता है कि फेसबुक की जो टीम होती है ना उसको करता है मैसेज, उसको रिपोर्ट करता है और उनको कहता है कि ये बंदा जो है ये मेरे ग्रुप में फालतू किस्म की पोस्टें सेंड कर रहा है, मेरा ग्रुप जो है वो मदनी चैनल के हवाले से है, इस्लामी के हवाले से है, लेकिन ये अपनी अंदर ही कोई मार्केटिंग खोल के बैठा हुआ है, तो काइंडली इसके अकाउंट को बैन कर दिया जाए। तो वो जो होता है फिर वो रिपोर्ट करता है और फिर हमारी आईडी हो जाती है बैन। सो इस तरीके आप लोगों ने ख्याल करना है। अब मैं जल्दी से आप लोगों को ये दिखे पब्लिक ग्रुप है इसमें पोस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन होते हैं। अब ये भी आ रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ अब जिस ग्रुप में आप लोगों ने पोस्ट करनी है ना और जो आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना वो किस तरह का होगा, क्योंकि टाइम को बचाते हुए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो ये ग्रुप है दूसरे वाला। अब इस ग्रुप में मैं पोस्ट करता हूँ आपके सामने, देखिए है अभी पब्लिक है, मेंबर भी ज़्यादा हैं और क्रिएट पब्लिक पोस्ट आ रहा है। अब देखिए मैं पोस्ट करूँगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये देखिए लग गया, वो कह रहा है कि जस्ट नाउ इरफान साहब आपकी पोस्ट लग चुकी है। सो अब ये ग्रुप परफेक्ट है, इसको करो आप लोग ज्वाइन। अब ये हम ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। सो इस तरह का ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करना है जिसमें आपकी पोस्ट अच्छी लग भी जाए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि धराधर पोस्ट करते रहते हैं ग्रुपों में, ठीक है, तो होता क्या है कि वो ग्रुप आपकी पोस्ट नहीं होती है। हम तो बड़ा समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, लेकिन होता क्या है कि वो आपकी पोस्ट जो है ना प्रूव नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको रिजल्ट नहीं आते। उसके बाद दूसरे अगर ये नेक्स्ट गलती है कि आप लोग क्या करते हो, अब ये पोस्ट कर दी ना, कुछ लोग क्या करते हैं यहीं से ना आसानी करने के लिए शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और शेयर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं शेयर टू ग्रुप। अब शेयर टू ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये सारे ग्रुप आ गए। क्या करते हैं यहाँ से पहले ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक किया पोस्ट, दूसरे पे क्लिक किया पोस्ट, अब इस तरीके से तीसरे पे क्लिक किया पोस्ट। इस तरह क्या करते हैं कि ग्रुपों में पोस्ट किए जाते हैं, यानी कि जो काम आप लोगों ने घंटों में करना था, ग्रुप देख के करना था, पोस्ट देख के करनी थी, वो आप लोगों ने क्या किया कुछ ही सेकंड के अंदर करना शुरू कर दिया। तो जब इस स्पीड से आप काम करोगे तो आपकी आईडी यकीन करो सिर्फ एक से दो मिनट लगेगा बैन हो जाएगा, और बैन भी पक्की पक्की हो जाएगी, कहेगा बस परमानेंट ब्लॉक सस्पेंड होगी है, फिर आप लोग कभी भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, जिसको समझ आ गया यहाँ तक ज़रा अपने हैंडल्स कर दे जल्दी से, जिसको समझ आ गया अपना हैंडल्स करें जल्दी से। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब आप लोग फेसबुक पे काम करते हो, मिसाल के तौर पर अब मेरे सामने एक पोस्ट आ गई है, पोस्ट मैं ढूंढता हूँ ऑनलाइन करने की, अब मिसाल के तौर पर एक मिनट, पोस्ट आ ही नहीं थी, इसके नीचे कमेंट ज़्यादा हूँ। एक मिनट है जा। ओके अब मिसाल तो ये एक पोस्ट है, ठीक है, इसके नीचे कितने हैं 42 कमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है, पहला कमेंट का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आए। अब ये देखो मेरी लीड आई पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप का नंबर नहीं दूँगा, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और आगे अपना नंबर देता हूँ। अब होता क्या है कि आप लोग जो ये इस तरह के लिखा हुआ ना कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आप लोग एक ही मैसेज यही यूज़ करते हो। जब आप लोग बार बार एक ही मैसेज यूज़ करते हो तो होता क्या है कि आपकी आईडी बैन हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 4 से 5 बल्कि इससे ज़्यादा आप लोगों ने एक नंबर जो है ना वो आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं इसको एक बार ना एक बार ऑफ़ करता हूँ मीटिंग यूट्यूब से रिकॉर्डिंग से।